जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सुनो का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। प्यारे साथियों, आज बात करेंगे एनएससी यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2023 की जो वैकेंसी थी उसकी फाइनल कटाव कितनी गई थी, कितने साथियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था। 2024 की जो साथियों वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा और देखेंगे कि कितनी फाइनल फर्स्ट साथियों जो मेरिट जारी की गई उसमें कितनी कटाव थी, लास्ट जो मेरिट जारी की गई थी कटाव की साथियों उसमें कितनी कटाव गई थी। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में, अंत तक बने रहेगा। और हाँ, अगर आप लोग एमबीए शिक्षा वाला परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। साथियों आप देखेंगे साथियों जो फर्स्ट एनएससी का जो फाइनल रिजल्ट के बाद जारी किया गया था साथियों 20 मई 2024 को जारी किया गया था। मेरे प्यारे साथियों 7 जनवरी को ये पेपर हुआ था, उसके बाद में जो साथियों है आपका ओमार सीट दिखाया गया, आंसर की कई सारे जो है कई बार आंसर की जारी की गई, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को हटाएगा और इस सारे प्रोसेस के बाद 20 मई को आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। तो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर लीगल यानी फाइनल कट ऑफ जारी की गई थी साथियों, रिजल्ट तो बहुत पहले जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो लिस्ट है साथियों क्या है, हम देखेंगे कैटेगरी और कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर लीगल वन यानी जूनियर ऑफिसर फर्स्ट का साथियों जो है लीगल वन का अनरिजर्व कैटेगरी की 66.25 मार्क्स गया था साथियों, और ईडब्ल्यूएस की साथियों 64.25 कट ऑफ और ओबीसी एनसीएल की 65.5 के करीब कट ऑफ गया था। ये साथियों वैकेंसी इस बार हमें लगता है नहीं है यानी 24 में नहीं है। लिस्ट स्टैटिस्टिक कैंडिडेट फॉर द पोस्ट जूनियर ऑफिसर लीगल विलिजियंस की बात करूंगा तो इसकी जो अनरिजर्व की कटाक गई थी साथियों 52.75 के करीब गई थी। वही बात करूंगा साथियों लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी एग्रीकल्चर, इस बार वैकेंसी है ट्रेनी एग्रीकल्चर की तो उसकी कितनी कटाव गई थी हम देखेंगे। बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ था इस बार तो साथियों उसके बारे में देखेंगे। जैसे साथियों कटाव मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी एग्रीकल्चर अनरिजर्व की साथियों 87.5 करीब, कितनी साथियों 87.5 गई थी। ईडब्ल्यूएस साथियों 72.5 मार्क्स गया था, ओबीसी एनसीएल साथियों 78 मार्क्स गया था, एससी के साथियों कितनी कटाव गई थी 71.25 के करीब, एसटी 69.5 के करीब, पीडब्ल्यूडी एचएच साथियों 66.25 और साथियों जो पीडब्ल्यूडी मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है 64.75, पीडब्ल्यूडी वीएच के साथियों 63 और एक्स सर्विसमैन का साथियों 45 मार्क्स गया था। ये साथियों फर्स्ट कट ऑफ जारी की गई थी यानी फर्स्ट मेरिट, एनएससी कई बार साथियों जारी करता है मेरिट को। नेक्स्ट है साथियों लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी मार्केटिंग की साथियों जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की 64 थी साथियों, ओबीसी एनसीएल की 68 मार्क गई थी, एससी की साथियों 60.25 के करीब, एसटी की 61.25 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी वीएच की साथियों 48.75 मार्क्स गया था। कितनी कटाव साथियों ये ट्रेनी मार्केटिंग की। बात करूंगा साथियों जो कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी कंट्रोल की तो अनरिजर्व की 72 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 64 मार्क्स और ओबीसी एनसीएल की 93.7 मार्क्स गया था। किसकी साथियों कट ऑफ मार्क क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की साथियों बहुत ज्यादा हाई ओबीसी एनसीएल की चली गई थी। वही बात करूंगा साथियों यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टोर यानी कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर की अनरिजर्व की 74.75 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 70.25 मार्क्स और ओबीसी एनसीएल 73.25 मार्क्स, पीडब्ल्यूवीएच साथियों 67 मार्क्स और पीडब्ल्यूएचएच साथियों 58.25 मार्क्स कट ऑफ गई थी। किसकी साथियों ये आपका एग्रीकल्चर स्टोर यानी पोस्ट ऑफ ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर की कट ऑफ थी। प्यारे साथियों इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया गया था 3 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था 9 PM साथियों, कहां नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीज भवन पूछा कॉम्प्लेक्स इंद्र जो है इंद्रपुरी साथियों न्यू दिल्ली।
मेरे प्यारे साथियों, ये तो फर्स्ट लिस्ट थी। अब सेकंड लिस्ट की मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों की, सेकंड लिस्ट में कितनी कटाप गई थी। तो जो सेकंड लिस्ट है आपकी 8 अगस्त को शो हुई थी, कब साथियों? 8 अगस्त को आई थी। और जो साथियों, जैसे होता है ना, डीबी होती है, डीबी में कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है तो छाट दिए जाते हैं, तो सीटें जब खाली होती है तो साथियों क्या है, आपकी जो मेरिट है डाउन करके बुलाया जाता है, तो मेरिट कम हुई। फिर लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर लेगर वन के लिए साथियों तो 66.25 मार्क्स गया, और अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस के साथियों 62.75 मार्क्स। वही दिखाऊंगा, यानी जो फर्स्ट साथियों जो मेरिट गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए साथियों लीगल वन के लिए, वही देखिए 66.25 पर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस साथियों 64.25 मार्क। वही साथियों अगर देखा जाए 62.75 मार्क, यानी सेम, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हुए हैं, नहीं तो सेम है। उसके बाद में बात करूंगा साथियों, यहां पर यह है ट्रेनी मार्केटिंग की जो कटाव है, 65.75 मार्क्स गई थी ओबीसी एनसीएल की, और पीडब्ल्यूडी वीएच की साथियों 40.5 मार्क्स। वही साथियों शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की, तो अनरिजर्व कैटेगरी की साथियों 67.25 के करीब गई थी। वही बात करूंगा साथियों, यहां पर जो है ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए साथियों, ये पर यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए 71.25 मार्क्स, ओबीसी एनसीएल 77.5 के करीब, एससी 69.5, पीडब्ल्यूडी एचएच 54 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी एमडी 62.25 और पीडब्ल्यूडी वीएच 62 मार्क्स। वही शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर की जो कटाप गई थी साथियों 72.75 के करीब साथियों, अनरिजर्व की ईडब्ल्यूएस की 70 मार्क्स, और ओबीसी एनसीएल के लिए 72.5 मार्क्स कटाप गई थी। अब उसके लिए साथियों अगर देखा जाए 23 अगस्त 2024 को फाइनल ये आपका डीवी के लिए बुलाया गया था साथियों, कहाँ? बीज भवन पूछा कॉम्प्लेक्स नियर इंद्रपुरी न्यू दिल्ली नेशनल सीट कॉर्पोरेशन के। तो ये थी आपकी साथियों एनएससी की कटाप। एनएससी आपको मैं बता दूं, एनएससी कई बार, यानी साथियों जब सीटें बची रहती है तो कई बार, यानी 1-3 बार तक मैंने देखा है साथियों वो अपनी कटाप जारी करता है, यानी मेरिट लिस्ट जो है घटाकर बढ़ाकर जारी करता है। तो आप लोग अगर एमबी शिक्षा परिवार को सब्सक्राइब नहीं के लिए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एनएससी से संबंधित या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे, मेरे प्यारे साथियों। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।